व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीएससी बायोलॉजी क्लास 10th के सेकंड चैप्टर के बारे में, जो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इस पार्ट में हम बात करेंगे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में, कि क्रोमोसोम्स होते क्या हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो सबसे पहला चीज हमें ये समझनी होगी कि व्हाट इज क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, द कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर इज नोन एज क्रोमोसोम्स। तो जैसा कि हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में, कि आप सबने भी पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। जब क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होता है सेल डिविजन के टाइम पे, तो वो कंडेंस होने के बाद जो शेप फॉर्म करता है उसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम्स। तो कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर इज नोन एज क्रोमोसोम। अब जो क्रोमोसोम्स होता है, हमें तो पता है कि वो सिर्फ क्रोमेटिन फाइबर से मिलके बना होता है। अब हम बात करते हैं कि क्रोमेटिन फाइबर होते क्या हैं। यहाँ पे इसकी डिस्कवरी है, जो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन टॉपिक यहाँ से है। तो व्हाट इज क्रोमेटिन फाइबर, द थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस विच कंटेन डीएनए इज नोन एज क्रोमेटिन फाइबर। तो अब हम क्रोमेटिन फाइबर के कॉम्पोजिशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो क्रोमेटिन फाइबर होता है वो दो चीजों से मिलके बना होता है। जो क्रोमेटिन फाइबर है वो दो चीजों से मिलके बना है, पहला है डीएनए और दूसरा है हिस्टोन प्रोटीन्स। तो जो डीएनए है, जब क्रोमेटिन फाइबर की हम बात करते हैं, तो एक क्रोमेटिन फाइबर में 40% डीएनए और 60% हिस्टोन्स होते हैं। अब हिस्टोन क्या है, हिस्टोन एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन है, अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि दो चीजें आ गई है, अब हम इन दो चीजों के बारे में बात करेंगे जो इसके कंपोनेंट्स हैं डीएनए और हिस्टोन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएनए क्या है। तो डीएनए क्या है, इसकी पहली फुल फॉर्म क्या होता है। तो गाइस, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड विच इज अ कैरियर ऑफ हेरिडिटिकल इन्फॉर्मेशन। तो ये डीएनए का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इसने अच्छे से दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। अब अगर डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो ये आप देख सकते हैं दो हेलिक्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब डीएनए के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसका कंपोजिशन भी जानना हमारे लिए जरूरी है कि वॉट इज डीएनए कम्पोज्ड ऑफ। तो डीएनए में तीन चीजों से मिलकर डीएनए हमारा बना हुआ है, पहला है फॉस्फेट, दूसरा है शुगर और तीसरा है नाइट्रोजनस बेस। अब फॉस्फेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अच्छे से इसने डायग्राम से एक्सप्लेन करा हुआ है, तो आईसीएससी की इस बुक में अच्छे से डायग्राम गिवन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शुगर है, जिसको हम और ज्यादा करेक्ट वे में बोले तो पेंटोज शुगर। तो ये शुगर है, ये फॉस्फेट है और ये बेस है। तो ऐसे करके ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं डीएनए का, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने देख लिया फॉस्फेट होता है, शुगर होता है, बेस होता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है, जब हम डीएनए के स्ट्रैंड के बारे में बात करते हैं, डीएनए के स्ट्रैंड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे बेसेस आते हैं। तो इसमें दो टाइप के बेस होते हैं, एक होता है एडेनिन और थाइमिन, फिर साइटोसिन और गुआनिन। तो ये दो बॉन्ड फॉर्म होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, कि आप ऐसे नहीं कि किसी भी, अगर आपके पास एग्जाम में ये डायग्राम आता है और इसमें से आपको बताना पड़ता है कि कौन सा एडिनिन और थाइमिन का है और कौन सा साइटोसिन और गुआनिन का है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पहला वाला बॉन्ड है हमारा एडिनिन और थाइमिन का, वो हमेशा डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। तो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है और ये ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा बेस, कौन सा एडिनिन और थाइमिन का है और कौन सा साइटोसिन और गुआनिन का है। तो गाइज, ये तो हो गया डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपको इसको हॉट ढंग से समझना है, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो का पार्ट बना दूंगा, उसमें मैं आपको हॉट ढंग से ये समझा दूंगा। अब बात करते हैं दूसरा, हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, तो जो डीएनए है, ये आपने अभी मैंने बता दिया है कि डीएनए क्या होता है, कैसा दिखाई देता है। अब जो डीएनए, जब हिस्टोन क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन्स है, हिस्टोन एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन है, और जब ऐसे एक हिस्टोन की तरह आठ हिस्टोन डीएनए के अराउंड रैप हो जाते हैं, तो वो एक न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आप हाईलाइट कर लें।
फिर यहाँ पे तो बस मेन यही है कि हिस्टोन्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन है, और एट हिस्टोन जब डीएनए के अराउंड रैप होते हैं तो वो एक न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम, अब यहाँ पे आ चुका है हमारा क्रोमोसोम्स। अभी जो ये है, ये वाला डायग्राम है, ये कई बार थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है हमको, क्योंकि एक क्रोमोसोम्स का डायग्राम ये है और एक क्रोमोसोम का डायग्राम ये है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये जो है, इसमें आपको क्रोमोसोम्स का डायग्राम जो बना रखा है, इसमें सिर्फ उसके ऊपर ऊपर का, या फिर जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल पार्ट इंडिकेट करे हुए हैं। जो ये दोनों हैं, इन्हें बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, और द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड इज नोन एज सेंट्रोमेयर। तो ये तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर उसने बता दिया है, मगर ये हाईली डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर जो उसने ढंग से एक्सप्लेन करा हुआ है, ये है। अगर आपको पूरा चैप्टर समझना है तो आपको इस डायग्राम को ढंग से समझना पड़ेगा। तो ये जो डायग्राम है, इसमें से ये क्या समझाया गया, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, मगर अगर आप ध्यान से इसे समझें तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। जो ये क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बता रखा है, और ये जो बाकी है, ये इसने, इसके बोलने का मतलब है, जब उसने एक क्रोमोसोम का पीस को स्ट्रेच करा तो ये स्ट्रेच होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है। सबसे पहले ये जो क्रोमोसोम्स रहते हैं तो ये क्रोमेटिन फाइबर से बने हैं, और ये जो क्रोमेटिन फाइबर रहता है, ये तो कॉइल रहता है, कुछ कॉइल रहता है और कुछ सुपर कॉइल रहता है। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है टेलीफोन वायरिंग का, तो ये ऐसे ही एक सुपर कॉइल है, फिर कॉइल आता है, फिर जैसे मैंने बताया था, ये जो कॉइल हो रखे हैं, ये पेयर हैं, ये हिस्टोन्स के हैं, ये एट हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के अराउंड रैप हो रखे हैं, तो इन सबको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसोम, ये भी न्यूक्लियोसोम है, और ये है लास्ट में डीएनए। तो अगर इसे ध्यान से समझे तो डीएनए जब एट हिस्टोन के अराउंड रैप हुआ तो उसने एक न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करा, न्यूक्लियोसोम ने कॉइलिंग का फॉर्मेशन करा, फिर जब कॉइलिंग ने सुपर कॉइल का फॉर्मेशन करा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सुपर कॉइल, जो सुपर कॉइल है, उन्होंने क्रोमेटिन फाइबर का फॉर्मेशन करा, और क्रोमेटिन फाइबर जब कंडेंस हुए तो उन्होंने न्यूक्लियोसोम का सॉरी क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन किया। तो ये आप देख सकते हैं, ये था इसका सिंपल सा डायग्राम, और ये था कि क्रोमोसोम्स के अंदर होता क्या क्या है और क्रोमोसोम किस चीज से बने हैं। तो सबसे पहले अब लास्ट में एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, मैं आपको फिर से ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर और ये चैप्टर ढंग से पढ़ना है तो इसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप इस चीज को ध्यान से समझ लें। तो सबसे पहले जो डीएनए है, सबसे पहले फॉर्मेशन होता है डीएनए।